गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट बॉक्स। मैं हूं पूजा राठी जैन और मैं आप सबका स्वागत करती हूं मेरे डेली व्लॉग्स में। पहले व्लॉग की तरह ये व्लॉग भी ऐसे ही स्टार्ट कर दिया है, वो वाला भी ऐसे ही स्टार्ट करने के बाद अच्छा बन गया था, ये वाला भी बन जाएगा। सो या गाइस स्टे ट्यून्ड। तो अभी कुणाल नहा के आ जाए, उसके बाद में मैं जाऊंगी स्प्राउट्स बनाने। मैंने कल रात को स्प्राउट्स भिगो के रखे थे, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स बनाऊंगी और कुणाल पूजा करेंगे। तब ये दोनों यहाँ पे बैठी हैं। मोही फीफी कौन बोलेगा ये माँ बेटी है? ये माँ और ये बेटी लग रही है किसी भी एंगल से। और मैंने ये अमेज़न से लाइट्स ऑर्डर की थी, वो भी आ गई। सो मैंने आज ये लाइट मंगवाई थी जो काफ़ी बड़े डब्बे में आई, जिसमें इतनी सी लाइट थी और उसके अंदर से ये निकला है। ये सब ओपन होंगे और ये पूरा कर्टेन बनेगा, तो मुझे ये हॉल में लगानी है, आई गेस वहीं लगाऊंगी, मैंने मंगवाई है। वैसे तो प्यारी लग रही है, बट लेट्स सी। मैंने कुणाल का हेयर कट किया, 5-6 दिन हो गए अब तक किए हुए, मैं भी अच्छा लग रहा है। मैंने सारे बाल छोटे कर दिए, तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से केयर भी नहीं हो रही थी। अच्छा लग रहा है। इतने शरारती बच्चे यहाँ के, हम लिफ्ट में आ रहे हैं, बाहर से बटन दबा दे रहे हैं, हम यहाँ पे लिफ्ट में वो कर रहे हैं। चलो तो मैं स्प्राउट्स बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने देखा कि मेरे पास कुकुम्बर नहीं है। ये रही मोही, तो उसके लिए मेरे पास कुकुम्बर नहीं है, तो मैं जाके ले आती हूँ। फिर कुणाल भी साथ में आ गए। इसकी अलग ही मस्तियाँ चलती है, सबसे अलग चलती है ये मोही। और यहाँ पे सब्जी वाले भैया है ही नहीं, एक्चुअली हमारी बिल्डिंग के नीचे ही, बिल्डिंग के अंदर ही एक भैया हैं जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, मतलब उन्होंने अपना ठेला लगाया हुआ है, तो वो ऑलमोस्ट टाइम होते हैं, बट अभी उनका ठेला तो खड़ा है ये रहा, बट वो नहीं है, शायद वो इस टाइम चले जाते हैं, तो अब हमें बाहर जाना पड़ेगा। बट इस टाइम ही तो सब लोग ब्रेकफास्ट लंच बनाते हैं यार। चलो वापस, एक तो धूप भी इतनी है, मैं तो जा रही हूँ वापस, अभी कुणाल आएंगे वापस से नीचे स्कूटी की चाबी लेके और फिर लेके आएंगे मार्केट से। तो कुणाल आते हैं, मैं तब तक अपनी बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, दोहर वगैरह फोल्ड करके रख देती हूँ, ताकि बाकी दीदी वैसे आके पूरे घर की सफाई करके चले गए। आज क्या बन रहा है? स्प्राउट्स। इस वीडियो में 3 बार बोल दिया, मैं स्प्राउट्स बना रही हूँ, स्प्राउट्स बना रही हूँ। क्या चाहिए फीफी? फीफी ओके। सो मैंने टमाटर काट लिए हैं, खीरा काट लिया है, प्याज काट लिया है, नींबू काट लिया है, कढ़ाई रख दी है, अब बस स्प्राउट्स बॉयल हो जाएं, उसके बाद फिर इसको फ्राई करें। एक्चुअली पता है क्या, मुझे तो कच्चे स्प्राउट्स खाना ही बहुत पसंद है। मैं रात को थोड़ा सा बादाम स्प्राउट्स और छोले भिगो के रख देती हूँ, और मेरे को तो उनको बस कच्चा खाना ही पसंद है, उसमें सारी वेजिटेबल्स कच्ची ही डालना पसंद है, बट कुणाल को सब बॉइल्ड खाना पसंद है, तो वो बॉयल या फ्राई करके उसको पसंद है। हेल्दी चीज़ें नहीं खाता वो, हेल्दी चीज़ों को मैं भी कुछ ना कुछ ऐसे करके खाता है, तो उसके लिए फिर मैं स्पेशली कढ़ाई में सब करके दूँगी। ओके सो ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किया, बहुत थोड़ा थोड़ा ही किया है, क्योंकि थोड़ा कच्चापन रहना चाहिए। ओके तो मैंने इसके अंदर कैश्यू डाल दिए हैं, पम्पकिन सीड्स डाल दिए हैं, प्याज डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है और खीरा डाल दिया है, बट पता है क्या हुआ, मैंने जैसे ही मैंने ध्यान और ऑलिव ऑयल में मैंने ये डाला कि ठीक है कैश्यू नट्स, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि गैस थोड़ा सा तेज था और मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं फीफी की साइड देख रही थी, थोड़े से हल्के हल्के से मेरे कैश्यू चल गए हैं, बट अंदर से तो कच्चे हैं, ऊपर भूख लग गई, मस्त खुशबू। अभी थोड़ा थोड़ा मसाला डालेंगे। डाला नहीं है क्या अभी तक? नहीं, खुशबू तो आ रही है मस्त। पता है पम्पकिन सीड्स को हमेशा कच्चा ही खाना चाहिए, उसको कभी भी ऐसे ऑफ कोर्स ऑयल में फ्राई करके नहीं खाना चाहिए, बट कुणाल बिल्कुल भी कच्चा नहीं खाता, मैं उसको दे दे के थक जाती हूँ, तो इसीलिए मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ ना, उसमें डाल देती हूँ, एटलीस्ट कुछ हाफ से हाफ भी न्यूट्रिशन बनेगा, मिलेगा तो कुछ तो होगा, इसके लिए मैं ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा डाल देती हूँ। सो
स्प्राउट्स ऑलमोस्ट बन गए हैं, बस 2 मिनट का काम है और मैं सोच रही हूँ साथ में बनाना शेक बना लेती हूँ और फिर लंच थोड़ा सा लेट कर लेंगे, मतलब लंच कर लेंगे 2 बजे तक। ओके सो यहाँ पे दिशा की ब्रेकफास्ट की प्लेट तैयार हो गई, जो कुनाल उसको ऊपर देखेंगे। बनाना शेक भी बन गया है और मैंने स्प्राउट्स भी डाल के दे दिए है। गो जाओ दे आओ, फिर आके खा लेना, मैं तुम्हारा लगा देती हूँ। हैव इट। क्या अच्छा होना है, थैंक यू। हेल्दी और बनता, लेकिन तुमने बनाने नहीं दिया। ये लो बनाना शेक, मस्त। थैंक यू ओली। पीपी तेरी बेटी आई? ये फीफी की सबसे छोटी बेटी है, ये फीफी की सबसे छोटी बेटी है, सबसे छोटी बेटी है। ओके सो रूम वगैरह सब क्लीन हो गया है एंड ब्रेकफास्ट भी बन गया है और मैं सोच रही हूँ नहाने से पहले, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहाने के बाद करूँगी, और मैं सोच रही हूँ नहाने से पहले कपड़े धो देती हूँ। कुछ कपड़े हैं तो फटफट वो धुल जाएंगे। और आज थोड़ी सी धूप भी निकली हुई है, क्योंकि 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैं 3-4 दिन से कपड़े धो ही नहीं रही थी। तो आज थोड़ी सी धूप है तो उसमें कपड़े सूख जाएंगे, तो फटफट कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद नहा लेती हूँ। देन सो मेरे को लगा नहाने से पहले थोड़ी सी ऑयलिंग कर ली जाए, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन कौन से ऑयल अपने बालों में लगाती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, वो ऑयल आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट है, क्योंकि उसने मुझे एक्चुअल में लास्ट 5-6 सालों में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। ऐसा नहीं कि 5-6 साल में रिजल्ट दिया, रिजल्ट उसने मुझे बहुत जल्दी दे दिया, बट उसने इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि मैं 4-5 महीने से 4-5 साल से कंटिन्यू यही ऑयल यूज़ कर रही हूँ मिक्स करके। आई डोंट नो लोगों को ये सूट होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता, बट फॉर मी इसने मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रोथ में, हेयर वॉल्यूम में हेल्प किया है। हेयर फुल नहीं होता है मुझे जल्दी से, और मेरी वॉल्यूम टचवुड बहुत अच्छी है। सो तो मेरे पास ये बॉटल है जिसके अंदर मैं ऑयल बनाती हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा बचा हुआ है, बट इतना काफ़ी नहीं है मेरे बालों के लिए। तो सबसे पहले हम लेंगे कैस्टर अभी पूरा बॉटल मत बनाना है ना, हाफ ही बनाना। जड़ी बूटी वाला नहीं, ये नहीं लेना है, ये सर्दियों के लिए है, ये जड़ी बूटी वाला नहीं लेना है। ये जड़ी बूटी वाला, हाँ ये समर वाला है, ये लेना है। हम डालेंगे ब्रिंग रास्ते कांदे का तेल, अनियन ऑयल। नहीं जमा नहीं है, वो थोड़ा सा टाइट है। एंड ये है रोजमेरी ऑयल जिसके कुछ ड्रॉप्स ही बहुत अच्छे हैं, और ये ट्रस्ट मी आपकी स्कैल्प और आपकी हेयर के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। इसकी हम डालेंगे कुछ बूंदे। ओ पीपी नो, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो तुम क्या? ट्रीट नो, यस काफी है। अब सांडे का तेल, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल खाने में और लगाने में दोनों बहुत अच्छा है। और इसके अंदर वर्जिन कोकोनट ऑयल पहले से था, तो वो हम ऐड नहीं करेंगे, बट वो सबसे मस्ट है जो हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं। ओके सो सब ऑयल मिक्स हो गए हैं, शो मी शो पूरा। अब मैं ये लगाऊंगी अपने स्कैल्प के अंदर। इनको आपके बालों पे लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं लगाती हूँ, बट ज़रूरी नहीं है, बिकॉज सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी स्कैल्प है, ठीक है। बालों पे आप नॉर्मल ऑयल भी लगा सकते हो, जैसे कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल जो आप यूजुअली यूज़ करते हो, तो वो आप अपने बालों पे लगा सकते हो, बट स्कैल्प के लिए बेस्ट है। बट ये मैं पूरे बालों पे ही लगाती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है सच में। अभी तो मेरे बाल ऐसे हो रखे हैं यार, क्योंकि 4-5 दिन से मैंने हेयर वॉश नहीं किया इसके लिए, बट एक्चुअल में मेरी हेयर ग्रोथ एंड हेयर वॉल्यूम थोड़ा ठीक है। थू 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 नज़र नहीं लग जाए। यूजुअली मैं रात को ऑयलिंग करके सोती हूँ और पूरी रात बालों में रख देती हूँ और सुबह वॉश कर लेती हूँ, बट कल मैं बहुत जल्दी सो गई थी, मुझे खुद को भी नहीं पता लगा था,
तो मुझे लगा अभी मुझे आज हेयर वॉश करना है तो उससे पहले लगवा लेती हूँ। कुणाल बहुत अच्छी चंपी करता है। कुणाल की 121वीं अच्छी बात कि इसे ब्रेड बनानी भी आती है। ये बहुत अच्छी प्लेट्स वाली चोटी करता है, फुल टाइट टाइट मस्त। दो चोटी करूंगी, फिर एक डेढ़ घंटे रखूंगी, इसके बाद नहाने जाऊंगी मस्त। शो शो कैसी बनी है शो सी। अलग अलग रबो बैंड्स लगाए, सेम नहीं मिले मुझे। तो चलो यार, इस व्लॉग को यहीं बंद करते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। मैं ऐसे ही स्टार्ट की और ऐसे ही बन गया व्लॉग, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू किड बॉक्स एंड अ क्यूट पिच फ्रॉम किड बॉक्स।